पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनना और हर एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अपनी डाइट में वो गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें जिनसे अक्सर लोगों को सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते और फिर अलग अलग तरह की डेफिशिएंसीज उनके शरीर में क्रिएट हो जाती है। टीम लाइफस्टाइल के ऑपरेशन रियलाइज, रियल इन्फॉर्मेशन इन सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसका मकसद ही है कि हम आपको सारी जानकारी सरल से सरल भाषा में दे सकें। इसमें नंबर वन है ब्रेकफास्ट, जिसमें आपको लेने होते हैं फ्रूट्स, 3 से 4 प्रकार के फ्रूट्स 12 बजे से पहले पहले। नंबर टू है लंच, जिसमें सबसे पहले आपको प्लेट 1 खानी होती है, जिसमें होती है 4 प्रकार की कच्ची सब्जियां, रॉ वेजिटेबल्स और लीव्स। उसके बाद आपको खानी होती है प्लेट 2, जिसका मतलब होता है सिंपल होम कुक्ड फूड, कम तेल और कम नमक वाला खाना। नंबर 3 है स्नैक्स, जो कि आप 4 बजे के आसपास खा सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं ड्राई फ्रूट्स, सीड्स, कोकोनट फ्रूट्स, स्प्राउट्स और हुंजा टी। नंबर 4 है आपका डिनर, जो कि 8 बजे से पहले पहले निपट जाना चाहिए। इसमें भी लंच की तरह एग्जैक्टली सेम है प्लेट 1 और प्लेट 2। अब दोस्तों, ब्रेकफास्ट में जो फ्रूट्स है और प्लेट 1 में जो वेजिटेबल्स है, वो सब कितनी क्वांटिटी में खाना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करने हैं डाइट में, इसका इनडेप्थ एनालिसिस हमने पहले ही किया हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इन सारी जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो अब शुरू करते हैं वो पहली गलती जो 90% लोग इस समय कर रहे हैं अपनी डाइट में, और वो है आपके ब्रेड और बिस्किट। हाँ जी, DIP डाइट और इन जनरल भी पैकेज फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना होता है। पैकेज फूड में आपकी ब्रेड भी आ जाती है और बिस्किट भी आ जाते हैं। इनफैक्ट टोमेटो केचप जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी पैकेज फूड ही होता है। तो पैकेज फूड, रिफाइंड फूड जैसे कि रेडी मील्स, जिन्हें बस माइक्रोवेव में गर्म किया और वो रेडी टू ईट है, केक्स, चीज़, टिंड वेजिटेबल्स, पोटैटो चिप्स, ये सब कुछ आपको अवॉइड करना होता है, कि जब हम पैकेज फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी में डायऑक्सिन्स एंटर कर जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही टॉक्सिक और कैंसरस होते हैं। इसके अलावा तो आप लोग जानते ही हैं कि रिफाइंड फूड कितना हानिकारक होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। अब जानते हैं दूसरी गलती, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट आप में से जो लोग वो गलती नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमें बहुत ही खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़कर। और वो गलती है 45 मिनट्स की सनलाइट का ना लेना। डॉक्टर बिस्वरूप ने अपनी DIP डाइट में बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है इस चीज़ पर कि रोज़ की रोज़ 40 से 45 मिनट सूरज के नीचे हमें बैठना ही है। दोस्तों, सूरज को प्रणाम करना और सूर्य नमस्कार योगा में, ये तो इंडियन कल्चर का बहुत पहले से ही अभिन्न अंग रहे हैं। बस अब हम पैसों की इस दौड़ में, अपने बिजी शेड्यूल में, इस रैट रेस में, ये सब भूल ही चुके हैं। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज आपको कहीं पर भी दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, चाहे आप 25 साल के नौजवान लड़के हो या 70 साल के बुजुर्ग हो, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले विटामिन डी की टैबलेट्स थमा देंगे। कोई जाँच पड़ताल नहीं, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, वो सब बाद में, लेकिन विटामिन डी की गोलियाँ सबसे पहले पकड़ा दी जाती हैं। इन सब से बचने के लिए आप कुछ समय अपने लिए निकाल कर 45 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। सनलाइट ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी तो है ही, अब जब विटामिन डी पूरा होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी सही से हो पाएगा और आपकी बोन्स बहुत मजबूत हो जाएंगी, तो रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत तो भूल ही जाओ फिर। इनफैक्ट हाई विटामिन डी लेवल से TB होने के चांसेस 32% तक घट जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अंग्रेज़ों में सन टैन स्किन ये इतनी क्यों पसंद की जाती है? क्योंकि वहाँ के लोगों में सन टैनिंग जो होती है, वो एक सिंबल होती है एक हेल्दी लाइफ का। इस चीज़ का सिंबल है कि इंसान अपना कितना ध्यान रखता है, और दूसरा वेल्थ का सिंबल है। हेल्दी इसलिए क्योंकि सन बेथिंग से रिकेट्स जैसी दिक्कतें, कैंसर, TB जैसी बीमारियाँ होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं, और वेल्दी इसलिए क्योंकि पहले यूरोप के देशों में बस अमीर लोग वोकेशंस पर जाकर सन टैन होकर लौटते थे। तो धीरे धीरे यही चीज़ जो है, वो लव फॉर सन टैन में डेवलप हो गई। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कभी और डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं तीसरी मिस्टेक पर। तीसरा है लीव्स, पत्ते वाली सब्जियां जो हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं। दोस्तों, DIP डाइट में आपको लीव्स जैसे कि पुदीना, तुलसी, पालक, मेथी, लेटस, पत्ता गोभी, हरा साग,
या इसी प्रकार की जो भी पत्ते वाली सब्जी अवेलेबल है वो आपको ज़रूर ज़रूर खानी है। इसके कितने क्विक और ज़बरदस्त फ़ायदे हो सकते हैं आपको वो समझने के लिए आप द चाइना स्टडी, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टडी है इस डाइट की फील्ड में, जिसमें 20,000 अलग अलग एथनीसिटी वाले लोगों पर 20 साल तक स्टडी की गई और तब जाके ये रिजल्ट सामने आए। आप उसका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सार देखिए कि प्लांट बेस्ड डाइट खाने से, लीव्स खाने से हार्ट ब्लॉकेज और हार्ट से जुड़ी दिक्कतों को 100% तक रिवर्स किया जा सकता है और कैंसर तक को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि पत्ते जब हम खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जिससे हमारी एंडोथीलियम एकदम क्लीन हो जाती है तो ब्लड एकदम प्रॉपरली फ्लो कर पाता है। तो पत्ते वाली सब्जियां तो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें। चौथी बहुत बड़ी गलती जो लोग किए जा रहे हैं वो है आपकी डाइट में डेयरी और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स। दूध मार्केट में इस समय कितना ज़्यादा एडल्ट्रेटेड है और मिल्क के ऊपर हम एक पूरी वीडियो पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूध ही नहीं, दूध से बने प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, पनीर, चीज़, घी, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट से बिल्कुल अवॉइड करनी है। दोस्तों, आप लोगों को अपनी डाइट में ऐसा नहीं सोचना है कि दूध हट गया अब क्या खाएं, एक चीज़ कम हो गई है, बल्कि ऐसे सोचना है कि दूध की जगह स्प्राउट्स, फ्रूट्स, लीव्स, हुंजा टी, ये सारी चीज़ें ऐड हो गई उल्टा, तभी आप उसे सही से फॉलो कर पाएंगे। और एक बार अगर आपको इस DIP डाइट का स्वाद आ गया कि शरीर को कितना हेल्दी फील होता है, तो बस फिर कोई चांस नहीं है कि आप दोबारा ये मिस्टेक कभी भी करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, अब इसे गलती कहें या फिर मिसमैनेजमेंट, कि डिनर 8 बजे से पहले पहले निपट जाना चाहिए और 8 बजने के बाद आपको कुछ भी खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। अब देखो दोस्तों, ये दिन छिपने से पहले खाना खाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेडिशन है, ये बहुत सारे जैन लोगों के द्वारा आज तक भी फॉलो किया जाता है। अब इसके पीछे मेन मकसद ही है कि आपका सोने से पहले पहले ही खाना डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप सीधा खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिससे इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि प्लेट वन खानी है या दोनों प्लेट साथ साथ, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप खुद समझें कि पहले प्लेट वन फिनिश करनी है ताकि ढेर सारा फाइबर आपके शरीर में चला जाए, जिससे बाद में खाना सही से डाइजेस्ट हो पाएगा और फिर ही आपको प्लेट टू खानी है। तो दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी बातें आपको याद रखनी है अगर आप DIP डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की डाइट फॉलो कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको नहीं भूलना है। अब ये जानकारी आपको तो पता चल गई, अब नेक्स्ट आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपको अपने दोस्तों को भी समझानी है ये बातें, ताकि आप तो बीमार पड़े ही ना और आपके आसपास कोई भी बीमार ना पड़े। क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़ी संख्या में लोग ये डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन साथ में ये गलतियां भी कर रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ये सिंपल सी इक्वेशन है, दिमाग में छाप लो इसे। अगर आप लोग बीमार पड़ोगे ही नहीं ना, तो ये अंग्रेजी दवाइयां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मुहिम डॉक्टर बिस्वरूप ने शुरू करी है नेचुरोपैथी की, और राजीव दीक्षित जी ने शुरू करी है स्वदेशी की और प्राकृतिक चिकित्सा की, ये अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं और ये अंग्रेजी दवाइयों की जड़ ही कट जाएगी। और यही तो ऑपरेशन रियलाइज का मकसद है।